आई एम पूजा उगे, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट बाय प्रोफेशन एज वेल एज डाइट काउंसिलर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाली पेट लहसुन खाने के। वैसे तो लहसुन को ऐसे ही खाने से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अगर हम खाली पेट लहसुन खाते हैं तो इसका जो फ़ायदा है, इसके जो बेनिफिट्स है, वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। वैसे हम जनरली जैसे हमारे घर पर कफ होता है, कोल्ड होता है, या फिर हमें एसिडिटी होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो हम लहसुन को लहसुन की चटनी बनाते हैं, फिर लहसुन का ऐसे ही सेवन करते हैं। तो ये ना सिर्फ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हल करता है, बट लहसुन के अगर हम कच्चे लहसुन को खाली पेट खाते हैं तो ये हमें कई बीमारियों से राहत देता है। सबसे पहली बात, हमारी जो बॉडी में जो वायरस है बैक्टीरिया है, उसको किल करके वो हमारे बॉडी में जैसे संक्रमण होता है उसको रोकते हैं। मीन्स ये नेचुरल क्लीनर का काम करते हैं, बॉडी में जो भी टॉक्सिसिटी है वो कम करते हैं। साथ में जो मेन इसका रोल होता है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने का। हार्ट को हेल्दी कैसे रखता है? जैसे हमारे बॉडी में एंथेरोस्क्लेरोसिस की मीन्स जैसे हमारे आर्टरी में कहीं ब्लॉक हो जाता है ज़्यादा ऑयली फूड्स खाने से, या फिर किसी और वजह से हमारे बॉडी में जो धब्बा बन जाता है, एक फैट का है या किसी और का भी ऐसे धब्बा बन जाता है, एंथेरोस्क्लेरोसिस उसे कहा जाता है, इसी से हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या करता है, उसको मीन्स कम करने का काम करता है, और हमारे रक्त को, ब्लड को पतला करने का काम करता है, और हार्ट के कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे ब्लड में से जो भी फैट सेल्स है उसको कम करने का काम करता है। लहसुन को वैसे तो चबा चबा कर खाए तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। खाली पेट रोज़ सुबह खाने से जैसे जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उनको इस प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी फायदेमंद होता है, और हाई बीपी के पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जो भी हाई बीपी के पेशेंट है उन्होंने सुबह की शुरुआत जो है अपने 2 कच्चे लहसुन को गुनगुने पानी के साथ लेने से करनी चाहिए। उसके साथ ही हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, उसको भी कम करने का रामबाण उपाय है खाली पेट कच्चा लहसुन खाने का। इसके साथ ही वजन कम करने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लहसुन से जो मेल हार्मोन से वो बैलेंसिंग होने के साथ साथ हम मेल की जो हार्मोन की जो लेवल है वो बैलेंसिंग करने में मदद करता है। लहसुन मेल जो जेंट्स लोग हैं उनको भी काफ़ी फायदेमंद होता है। जिनको ज़्यादातर सर्दी जुकाम रहते हैं उन्होंने इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। साथ में अस्थमा वाले पेशेंट को भी रोज़ाना इसका कच्चा लहसुन जो है खाली पेट खाना ज़रूर खाना चाहिए। लहसुन के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि अगर आपको दांतों में दर्द होता है तो आप जिस दांत में दर्द हो रहा है उसके नीचे आप लहसुन को चबा के थोड़ा सा खा लीजिए तो आपका दांत दर्द भी ठीक हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर हो सकता है, साथ में इसमें ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है इसमें। इसी वजह से जो भी जिनका लीवर जो है वीक है, लीवर की कैपेसिटी उनकी बहुत कम है, तो उन्होंने इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और ये बायोएक्टिव नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है लहसुन। लहसुन को आप ऐसे ही चबाकर खा लीजिए, या फिर आप जिनको इनकी स्मेल पसंद नहीं आती है तो उनको वो लोग इनको थोड़ा इसकी चटनी बना के खा सकते हैं, या फिर इसको आप शहद में डिप करके भी खा सकते हैं, इससे भी फ़ायदा मिल सकता है। जिनकी बॉडी में गर्म तासीर है, जिनको गर्माहट होती है, गर्म चीज़ें खाने से उनको प्रॉब्लम होती है, उन्होंने लहसुन का सेवन अवॉइड करना चाहिए। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान लहसुन का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लहसुन थोड़ा गर्म तासीर रखता है, और प्रेगनेंसी में जो भी गर्म चीज़ें होती है वो स्टार्टिंग के जो चार पाँच मंथ होते हैं उस टाइम हमें अवॉइड करना रहता है, क्योंकि मिसकैरेजिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है। इसीलिए आप अगर प्रेगनेंसी के दौरान लहसुन का सेवन थोड़ा कम लिमिट मात्रा में करना चाहिए। साथ ही लो बीपी वालों को अगर प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, मैंने बताया कि हाई बीपी वाले पेशेंट को ये फायदेमंद है, लेकिन वैसे ही लो बीपी वाले पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकता है कच्चा लहसुन खाना और लहसुन ज़्यादा खाना। हार्ट के जो भी पेशेंट होते हैं, जिनकी भी हार्ट सर्जरी होती है, जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम उसे फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने रोज़ाना कच्चा लहसुन है खाली पेट ज़रूर खाना। और सेहतमंद ज़िंदगी पाने के लिए हमें लहसुन का सेवन हर रोज़ रोज़ाना करना चाहिए।
इसके साथ ही लहसुन हमारे खून को साफ करने में मदद करता है। एच पायलोरी नामक जो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में होता है उसको नष्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही हमारे जो हड्डियों को मजबूत करने में फ़ायदेमंद होता है, आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए फ़ायदेमंद होता है। जिनको भी एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, जिनका भी हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम है, तो उन्होंने अपने डाइट में रोज़ाना 2 कच्चे लहसुन की कलियाँ जरूर खाना चाहिए। इससे कि आपका आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और एनीमिया की प्रॉब्लम आपकी कम हो सकती है। साथ ही जैसे कि हमारे जो दिमाग या फिर हम कहेंगे कि हमारे जो मेमोरी पावर है, या फिर हमें जैसे हमारी याददाश्त कमज़ोर होने वाले जो बीमारियां हैं उनसे अगर हम स्ट्रगल करना कर रहे हैं, तो उसके लिए भी लहसुन बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, जो कि हमारे न्यूरॉन्स के लिए, ब्रेन सेल्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इनमें रहने वाले जो फ्री रेडिकल्स है उसको कम करने के साथ साथ ये इनको अच्छी इनका फंक्शंस अच्छे से एक्टिव करता है, इसलिए दिमाग के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे पर पिम्पल्स, एक्ने, मुहासे जैसी प्रॉब्लम से लड़ने में मदद करता है। जैसे हमें अगर तुरंत अगर हमें लाभ चाहिए, एक दिन में अगर हमें पिंपल्स, अगर एक हाथ पिंपल्स हमारे चेहरे पे आता है, तो हम छोटा सा जो लहसुन है उसको कट करके अगर दिन में 3-4 बार उसको वहाँ पे प्रेस करेंगे, हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे, तो हमारे जो पिंपल है वो गायब हो जाएगा, एक्ने की प्रॉब्लम हमारी कम हो सकती है। साथ ही अगर आपको बार बार UTI होने की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, हमेशा यूरिन में जलन होती है, यूरिन अच्छे से साफ नहीं होती है, ड्रॉप जैसे हमें यूरिन होती है, या फिर यूरिन करने में कोई भी दिक्कत होती है, इसमें भी अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, यूरिनल इन्फेक्शन की वजह से है, तो ये लहसुन खाना काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को हल कर सकता है। साथ ही हमारे जो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, अगर सुबह में अगर हम खाली पेट 2 लहसुन की कलियाँ वो भी गर्म पानी के साथ अगर लेते हैं, तो हमारे पाचन शक्ति को सुधार लाता है, साथ में चेहरे पर निखार भी लाता है। हमें पता है कि हमारी जो ब्यूटी होती है वो इंटरनल ऑर्गन हमारे अंदर के जो प्रॉब्लम से जुड़ी होती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमें चेहरे पे हमें पिंपल्स वहाँ से देखने को मिलते हैं, सेम उसी तरह अगर हमारी अंदरूनी जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, हमारे जो टॉक्सिसिटी अगर हमारे बॉडी में रहती है, तो उसका इफेक्ट जो है हमारे बालों पर, हमारे चेहरे पर ज़रूर दिखता है। तो इसीलिए अगर हम अंदर से स्ट्रांग रहते हैं, हमारे अंदर के ऑर्गन अगर अच्छे हैं, हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिसिटी है वो अगर बाहर जाती है लहसुन खाने से, तो हमारा चेहरा जो है अच्छे से ग्लो करता है। बेसिकली जो हमारे सेल्स में डेड, हमारे जो फेस पे जो डेड सेल्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं लहसुन के सेवन से, और साथ में हमारे जो डैंड्रफ वगैरह हमें होते हैं बालों में, डैंड्रफ क्यों होता है, क्योंकि किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है या फिर कुछ भी संक्रमण होने की वजह से हमें डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसके लिए भी लहसुन काफ़ी फायदेमंद होता है। महिलाओं के लिए मेनोपॉज के वक्त जो उनके प्रॉब्लम क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं, उस टाइम भी अगर वो रोज़ाना लहसुन का सेवन करते तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि वजाइनल ड्राइनेस है या फिर और भी कुछ वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, वो भी मीन्स क्या है कि जो लहसुन है देखने में एक साधारण सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होता है। इसलिए तो जिनका लीवर अगर अच्छे से वर्क नहीं करता, लीवर कमज़ोर है, तो उन्होंने इसका सेवन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट अच्छा खासा होता है। तो हमें ये फ्री में न्यूट्रिशन मिलता है लहसुन से, तो हमने रोज़ाना इसमें डाइट में हमने इसे ज़रूर शामिल करना है, छोटे से लेकर बड़े तक। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है आफ्टर 45, तो हमें इसका ज़रूर सेवन करना चाहिए। हमारी सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए, हमारी उम्र को बढ़ने के लिए हमें लहसुन का सेवन करना चाहिए। वैसे भी अगर हमारे बॉडी पे कहीं पे स्ट्रेच मार्क आते हैं, जैसे कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर गिविंग द बर्थ, हाँ, बहुत ज़्यादातर महिलाओं की प्रॉब्लम होती है कि उनको स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा लहसुन को आप छील के सरसों के ऑयल में मिक्स करके वहाँ से अगर आप रोज़ाना मसाज करोगे, तो धीरे धीरे करके आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो आपको कम होते दिखाई देंगे। साथ ही अगर हम जैसे कोल्ड कफ या विंटर आता है, तो उस टाइम हमने सरसों के तेल में लहसुन डालकर अगर बदन की, मतलब हमारे शरीर की अगर हम अच्छे से मसाज करते हैं, तो गर्माहट बनी रहती है शरीर में और ठंड बहुत कम लगती है, कफ और कोल्ड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अंत में बात करेंगे कि कच्चा लहसुन ही क्यों, और वो भी खाली पेट ही हमें क्यों खाना चाहिए।
ज़्यादातर हम जो भी सब्जियाँ और खाना पकाते हैं उसमें से आधा न्यूट्रिशन उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो भी सब्जी हम बनाते हैं उसमें से जो विटामिन है मिनरल्स है, हाफ ऑफ द मिनरल्स हाफ ऑफ द विटामिन उसमें से लॉस हो जाते हैं। सेम उसी तरह है जैसे हम लहसुन को पकाते हैं तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बहुत आधा हो जाता है पहले की तुलना में। और इसीलिए हम अगर उसको कच्चा चबा के खाते हैं और वो भी सुबह के खाली खाली सुबह के टाइम में खाली पेट में खाते हैं तो इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है अच्छे से ये हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, डाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर हम रोज़ाना कच्चे लहसुन की कलियाँ वो भी सुबह में खाते हैं और उसके ऊपर से हम अगर गर्म पानी गिलास भर के हम पीते हैं तो इसे ना सिर्फ आपके वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, साथ ही जो शरीर में जो जो भी गंदगी रहती है टॉक्सिसिटी है वो भी बाहर निकालने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। सो ये थे हमारे जो लहसुन के फ़ायदे वो भी कच्चे लहसुन की कलियाँ खाली पेट खाने के। लेकिन इनके सब अगर ये आपको नहीं अच्छा लगता है कच्चा लहसुन खाना तो आप ज़रूर इसकी चटनी बना सकते हैं, ज़रूर आप इसकी जैसे दाल तड़के में डालते हैं, जैसे आप रोटी पे भी लगा के खा सकते हैं, जैसे बटर नान आप खाते हैं ना उसी तरह आप लहसुन वाला गार्लिक नान खाते हैं तो आप उसी तरह जितना हो सके ना उतने खाने में लहसुन को आप ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक हेल्दी अप्रोच भी होता है, साथ में ये लॉन्जेविटी के लिए साथ में आपकी आपका लाइफस्टाइल अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मीन्स ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना यही है हमारे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, यही है हमारे जीवन शैली में सुधार लाने का काम करता है। इसी आप अपने जो फ्यूचर के जो रिस्क फैक्टर है जैसे कि लहसुन जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, साथ ही शरीर के जो फ्री रेडिकल्स है उसको भी किल करने के लिए फायदेमंद होता है। जैसे मींस इसके वजह से जो हमारे कैंसर की रिस्क है वो भी कम होती है, हाइपोग्लाइसिमिया जो डायबिटिक में देखा जाता है उसकी रिस्क कम होती है, हार्ट जो पेशेंट है उनको भी आगे के जो कॉम्प्लिकेशन है रिस्क है वो कम हो जाते हैं। इसीलिए हमने लहसुन का सेवन करना ज़रूरी है और ये ईजिली अवेलेबल है, हमारे घर पे रहता ही है ना तो हम इसे रोज़ खाएंगे तो इसके नुकसान तो वैसे कुछ नहीं है। हाँ बट मैंने जो टर्म एंड कंडीशन रखी है वो भी आपने ध्यान में रखना है, जैसे कि यह खून पतला करता है तो जब भी हम सर्जरी के वक्त जाते हैं सर्जरी के लिए तो उस टाइम हमने लहसुन का सेवन नहीं करना है क्योंकि उससे इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर आपको जो गर्म तासीर वाले फूड से एलर्जी है तो आपने इसका सेवन नहीं करना चाहिए तो बेटर है, या फिर आप सिंपली उसको आप शहद के साथ खा सकते हैं और उसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। और जिनका भी लो बीपी का प्रॉब्लम है उन्होंने भी इसको अवॉइड करना चाहिए, प्रेगनेंसी में इसको सेवन थोड़ा कम करना चाहिए ताकि इसके साइड इफेक्ट वैसे तो कुछ है नहीं लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खाते हैं तो मितली और वोमिटिंग जैसे प्रॉब्लम है, पेट में जलन जैसे प्रॉब्लम है, छोटी मोटी प्रॉब्लम को हो सकती है। इसलिए कोशिश करें दिन में से 2 से 3 ही आप खाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 से 3 कलियाँ आप लहसुन की खाएं खाली पेट में और ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ऊपर से आप गर्म पानी का ग्लास आप पीजिए, ये ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो यह था हमारा सिंपल और छोटा सा वीडियो जिससे कि आपने देखा कि इसमें आपको कच्चा लहसुन खाली पेट क्यों खाना चाहिए और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं और यह रियली रियली बहुत इफेक्टिव होता है। आप करके देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसे रहा और आप इसी ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो न्यू वीडियो आते हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो सकती है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।